Friends. Welcome back to my channel. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं सुलेमान की पर आज इस वीडियो में आपको देखना मेरे साथ मोहतरम सामक वरह सुन्नत की इशात के आलमी इधारे दार्लाम की तरफ से आपकी खिदमत में तख्ल कायन और तखलीक आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया और कौमों का तस्करा पेश किया जा रहा है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है सूरत आयत सोलह में है और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए कहने लगे लोगों हमें परिंदों की बोली सिखलाई गई है और हम सब कुछ दिए गए हैं बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजले है यहाँ विरासत से मुराद माल नहीं बल्कि बादशाहत और बादशाह मुराद है अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा बादशाह बनाया कि सारी दुनिया में उन जैसा कोई नहीं, नहीं हुआ आपसे बढ़कर बादशाहत भी किसी की ना हो सकी क्योंकि खुद ने यह दुआ की थी कि इलाही मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो मेरे बाद और किसी के शायान शान न हो कहा कि मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक न हो तू बड़ा ही देने वाला है बस हमने हवा को उनके माताहत कर दिया वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी और ताकतवर जिन्नों को भी उनका माताहत कर दिया हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे जिन सुलेमान सलेमानसलाम के हुक्म से बुलंद वाला इमारतें तामीर करते थे दरियाओं में गोता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे दूसरे जो काम आम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे वो आप जिन्नों से लिया करते थे जो जिन आपके हुक्म से सरताबी करते या शरारतें करके काम में रुकावट डालते या दूसरों को तंग करते तो आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते और ये आप पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और एहसान था जैसा कि अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत उनतालीस में फरमाते हैं यह है हमारा अतिया अब तू एहसान कर या रोक रख कुछ हिसाब नहीं अल्लाह ताला ने सुलेमान सलाम को उन पर कब्जा और इख्तियार दे दिया और फरमाया अब आपकी मर्जी आप इन्हें सजा दें या दरगुजर करें किसी को कुछ दें या रोक लें आपके लिए सब कुछ जायज है दूसरे मकाम पर अल्लाह तूरह सबा आयत बारह में फरमाते हैं और उसके रब के हुक्म से बास जिन्नात उसकी माताहती में उसके सामने काम करते थे और उनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरकशी करे हम उसे भड़कती हुई आग के आजाब का मजा चखाएंगे इस तरह अल्लाह तूरह सबा आयत तेरह में फरमाते हैं जो कुछ सुलेमान चाहते जिन्नात वो तैयार कर देते मसलन कले मुजस्मे और हौजों जैसे प्याले और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक बड़े बड़े महल मसाजिद कले मुख्त मसाजिद के मॉडल या सीनरियों के मॉडल बड़े बड़े थाल और इतनी बड़ी देगे बनाते थे जो बोझल और नकलो हमल के काबिल न होने की वजह से किसी खास मकाम पर नस्ब कर दी जाती थी और ये आप पर अल्लाह ताला का अजीम तहसान था इसके अलावा दीगर से भी अल्लाह ताला ने आपको सरफराज फरमाया था जैसा की सूरत अम्बिया आयत ब्यासी में अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह बहुत से शयातीन भी हमने उसके ताबे किए थे जो उसके फरमान से गोता लगाते थे और इसके सिवा भी बहुत से काम करते थे उनके निगहवान हम ही थे ये तमाम इकतदार अल्लाह ताला ने आपको अता किया था आपके मोजात में से एक मोजा यह भी था कि हवा आपके लिए मुसखर यानी मोती फरमा बरदार थी अल्लाह तूर स्वाद आय छत्तीस में फरमाते हैं बस हमने हवा को उनके माताहत कर दिया वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी अल्लाह तूरतल अंबिया आयत इक्यासी में फरमाते हैं और हमने तेजोतुंद हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया जो उसके फरमान के मुताबिक उस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत दे रखी है और हम हर चीज का इल्म रखने वाले हैं इसी तरह अल्लाह सूरह सबा आयत बारह में फरमाते हैं और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसक्र कर दिया कि सुबह की मंजिल उसकी महीना भर की होती थी और शाम की मंजिल भी महीना भर की होती थी दीगर मुजजात की तरह अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह मुजदा भी अता फरमाया कि तेज़ तुंद हवा को उनका ताबे फरमान बना दिया आप इस हवा को जिस तरह का हुक्म देते वो हुक्म की तामील करती और इस तरह आप एक माह का सफर चंद घंटों में तय कर लिया करते थे दाऊद को तो अल्लाह ताला ने लोहे की ढलाई का काम सिखाया था जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोहे की ढलाई के अलावा तांबे की ढलाई का फन भी सिखाया सूरह सबा आयत 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया इस चश्मे में पानी की बजाय तांबा बहता था आप उससे जो चाहते बना लेते आप घोड़ों को बहुत पसंद फरमाते थे आपके पास बहुत से घोड़े थे अल्लाह ताला सूरत स्वाद आए तीस में फरमाते हैं और हमने दाबूद को सुलेमान अता फरमाया जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था जब उनके सामने शाम के वक्त तेज रौक खासे के घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे मैंने इन घोड़ों पर अपने परवरदिगार की याद को तरजीह दी यहां तक कि आफ्ताब गरूब हो गया इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ फिर तो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे घोड़े बीस हजार से जायद थे घोड़ों के मुआयने में उनका रोजमर्रा का जिक्र रह गया तब उन्हें जिक्र इलाही का ख्याल आया जिस पर उन्हें सख्त सदमा हुआ और कहने लगे कि मैं घोड़ों की मोहब्बत में इतना गुम हो गया कि सूरज गुरूब हो गया तो इन घोड़ों को दौड़ाया कि वो नजरों से ओझल हो गए फिर उन्हें दोबारा तलब किया और प्यार मोहब्बत से उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया इमाम बुखारी ने अबू हुरैरा रजी अला से रिवायत की है कि एक मरतबा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इस शब्द में अपनी बीवियों के साथ इस दिवाजी फरीजा अदा करूंगा तो मेरी हर एक बीवी से लड़का पैदा होगा और वो मैदान जिहाद का मुजाहिद बनेगा। लेकिन इस इरादे के साथ कहना भूल गए अल्लाह ताला को कद्र पैगंबर का ये तर्ज पसंद ना आया चुनाची अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दावे को इस तरह गलत साबित कर दिया कि तमाम बीवियों में से सिर्फ एक बीवी के हां मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये इनशा ना कहने का नतीजा है चुनाचे उन्होंने फौरी तौबा की और इन कहने को अपना मामूल बना लिया अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमायी थी सूरतुल अंबिया आयत सतासी में है और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उसमें चर चुक गई थी और उनके फैसले में हम मौजूद थे हुआ ये कि दो आदमी हमसाए थे उनमें झगड़ा हो गया उनमें से एक के पास खेत था इसमें उसने फसल बो रखी थी दूसरे के पास कुछ बकरियां थी बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाए एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया बकरियां खेत में आकर चरने लगी फसल खराब हो गई दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए अपना मुकदमा पेश किया दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है इसका हाल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहवील में ले ले दोनों फरीक बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया मेरे साथ आओ वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दें और जमीन बकरियों वाले को जब बकरियों वाला जमीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीजें उन्हें लौटा दें इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा ये फैसला ज्यादा बेहतर है इससे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम न हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया ये फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था अल्लाह ताला तूरत आयत नवासी में फरमाते हैं, हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया हाँ हर एक को हमने इल्म हिकमत से नवाजा था बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है उसमें इसी किस्म का एक वाकया बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाई दोनों को अल्लाह ने एक एक बच्चा दे रखा था

बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ यह सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दें और उसे दे दें। ये सुनते ही अलैहिस्सलाम बोल उठे तू ही इसकी माँ है जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना, देखना बर्दाश्त न हो सका फिर बच्चा उसे दे दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तीसरा वाकया कुरान में यूं है सूरत आयत और और में है, सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए हर हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा ए चींटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले उन तमाम लश्करों को इकट्ठा किया गया था अल्लाह ताला ने चूंटी की यह बात सुलेमान को सुनवा दी सूरह आयत 19 में है उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं, जिनसे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा आपका एक वाकया वाकस के साथ पेश आया नमल आयत बीस ता पच्चीस में है आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे क्या बात है कि हुद हुद नजर नहीं आ रहा क्या वो वाकई गैर हाजिर है यकीन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जबा कर डालूंगा या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर ही नहीं और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है शैतान ने उनके काम मुजयन करके उन्हें दिखलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है पस हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है हद हद ने अल्लाह ते सिफत इसलिए बयान की ये, की ये अपनी हिस्स के जरिए जमीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है सुलेमान सलाम को भी यही हुद, हुद बताया करता था कि पानी कहां है। फिर आप जिन्नात के जरिए पानी निकलवाते थे ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए आपने हुद हुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं सूरह नम्ल आयत 27 और अट्ठाईस में है सुलेमान ने कहा अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे फिर उनके पास से हट आ और देख के वो क्या जवाब देते हैं आपने एक खत लिखकर उसे दिया हुद हुद वो खत लेकर मलिकल के महल पहुंचा खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा खत देख कर मलिक बल्किस ने कहा वो कहने लगी ऐसर मेरी तरफ एक बावकत खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ उसने कहा ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो नहीं किया करती उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुत वाले सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं आगे आपको इख्तियार है आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइजत लोगों को जलील कर देते हैं और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूं फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं मलिका बल्किस ये अंदाजा करना चाहती थी कि अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं चुनाचे फरमाया क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो जा उनकी तरफ वापस लौट जा हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं और हम उन्हें जलीलो पस्त करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे कासिद उनका जवाब सुनकर और यहत हो गए उन्होंने बलकीस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी मलिक बलकीस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं सलेमानसलाम तक इसका पैगाम पहुँचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवे हुए आपने ऐ सरदारो तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे एक कवि हैकल जिन कहने लगा आप अपनी मजलिस से उठे इससे पहले ही पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूं यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूं और हूं भी अमानतदार जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूं जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या ना शुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है और जो ना शुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और कर्म करने वाला है हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते तख्त लाने वाले आदमी के मुताल जो ये आया है कि उसके पास किताब का इल्म था तो मुफसरीन का इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था कुरान करीम के अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे यह कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते वो तख्त ले आया फिर अलैहिस्सलाम ने तख्त, तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया तख्त में, तब्दीली का हुक्म उस में से हीरे जवाहर निकाल और दूसरी पर लगा उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है हमें इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करती रही थी यकीनन वो काफिर लोगों में से थी अब सुलेमान अलैहि सलाम की मलका बलकीस से गुफ्तगू शुरू हुई फिर वो उसे तख्त के पास ले आए उससे पूछा क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है उसने बहुत अच्छा और फसाहत से भरपूर जवाब दिया उसने ना तो ये कहा कि हां क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी यहां कैसे आ सकता था ना उसने ये कहा कि ना क्योंकि ये वही महसूस हो रहा था अलबत् इसमें कदर तब्दीली महसूस हो रही थी उसने अजीब जुमले में जवाब दिया कि ये वही लगता है सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हुए अब आपने उसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया जो किसी बशर ने आज तक नहीं देखा चुनाचे आप उसे एक महल में ले गए ये मुकम्मल तौर पर शीशे का था इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था फर्श भी शीशे का था शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था पानी चलता रहता था आप उसे लिए अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है उसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया कि भीग ना जाए उसने अपना पाव पानी पर रखना चाहा, तो वो शीशे पर पड़ा और ज्यादा हैरान हुई और शर्मिंदा भी के धोखा खा गई और ये सब कुछ जिन्नात के जरिए तैयार कराया गया था सूर्य नमल आयत चवालीस में अल्लाह तरमाते हैं उससे कहा गया कि महल में चली चलो जिसे देखकर कर ये समझ करके ये हौज है उसने अपनी पिल्डियां खोल दी सुलेमान ने कहा यह ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं कहने लगी मेरे पर वर्दिगार मैंने अपनी जान पर जुल्म किया अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुलमीन की मुती और फरमाबरदार बनती हूं ये अजीम सल्तनत देख कर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं नबी भी हैं। चुनाचे उसने फौरन ईमान कबूल कर लिया सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि आपने मस्जिद अक्सा तामीर करवाई इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने कराई थी सही हदीस में है अलैहि वसल्लम से पूछा गया जमीन में कौन सी मस्जिद सबसे पहले तामीर की गई आपने फरमाया मस्जिद हराम यानी मक्का मुज्मा वाली मस्जिद फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौनसी मस्जिद जमीन में बनाई गई आपने जवाब दिया मस्जिद अक्सा जब बुख्त नुसर ने उत्स पर कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिद अक्सा ढा दी लेकिन फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने अजसर नौ तामीर का काम शुरू कराया इसके साथ ही उन्होंने सुलेमानी भी तामीर करवाया। आज तक इसको समझते हैं। ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब है मस्जिद अक्सा की फजीलत में बहुत सी रिवायात मिलती है जैसा की रसूल सरशाद है मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब एक लाख नमाजों के बराबर है मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब एक हजार नमाज के बराबर है और मस्जिद अक्सा में 500 सौ नमाजों के बराबर सवाब मिलता है मुस्नाद अहमद में अब बिन अमर बिन आस रजीमा से रिवायत है कि वसल्लम ने फरमाया जब सलाम ने बैतुलमकद को तामीर किया तो अल्लाह तीन दुआएं मांगी उनमें से अल्लाह कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मिलेगी उन्होंने पहला सवाल ये किया कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुआफ हो यानी अदल इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म ज्यादती ना हो अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई दूसरा सवाल ये किया मुझे ऐसा मुल्क कता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो अल्लाह ते दुआ भी कबूल फरमा ली तीसरा सवाल ये किया कि जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिद अकसा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह के पैदाश के दिन था इस तीसरे सवाल के मुतालिक अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ने हमारे लिए रख ली हो अल्लाह तला ने उन्हें इस कदर ताकत और कुदरत अता फरमाई थी लेकिन इसके बावजूद आप बशर थे और मौत हर बशर को पहुंचकर रहती है इंसान जिस कदर भी कुदरत हासिल कर ले जितना भी गलबा पाले, जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया है सूरत जुमर आयत तीस में है बेशक खुद आपको भी मौत का मजा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं अल्लाह ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हो और निशानियां जाहिर हों क्योंकि उस दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुबतला थे ये ख्याल करते थे कि जिन्नात को गैब का इल्म है अल्लाह ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्म नहीं है एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को सख्ती के साथ मुसक्र किया और वो आपके सामने काम करने लगे आप उनकी निगरानी करते रहते जिन्नात के दिलों में आपका बहुत खौफ था आप आप उन्हें सुस्ती करने पर सख्त सजा देते थे, थे, खड़े उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र 150 साल थी जिन्नात मकदिस की तामीर में मसरूफ थे ऐसे में आपने अपना आसाफ पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया इस तरह उनकी निगरानी करते रहे इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली ताहम आपकी आंखें खुली नहीं उधर जिन मुसलसल काम में लगे रहे वो यही ख्याल करते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं आपका खलीफा आया तो वो जान गया आप इंतकाल कर गए हैं लेकिन उसने भी जिन्नात पर यह बात जाहिर न की इस तरह दो साल गुजर गए जिन इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे वो देख रहे थे कि दो साल से सुलेमान सलाम ने हरकत तक नहीं की पलक तक नहीं झपकी उधर अल्लाह ताला ने दीमक को सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा पर मुसलत कर दिया वो अंदर अंदर लाठी को खोखला करती रही आखिर लाठी टूट गई सुलेमान सलाम जमीन पर गिर गए उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उन्हें फौत हुए तो अरसय दराज हो चुका है तब इंसानों को भी मालूम हो गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है अल्लाह तूर सबा आयत चौदह में फरमाते हैं फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनके आसाद को खा रहा था बस जब सुलेमान गिर पड़े तो उस वक्त जिन्नात ने जान लिया कि अगर वो गैबदान होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुबतला न रहते इस तरह अल्लाह तुमले कर दिया कि जिन्नात भी मखलूक है गैबदान नहीं अल्लाह ही उन पर कादिर है और इसी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। हर प्रॉफिट की स्टोरी से हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हमारे जो ईमान का लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और अल्लाह ताला पर हमारा यकीन और ज्यादा हो जाता है तो आप लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें